गौवों के संरक्षण को लेकर सिरमौर जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। प्रशासन के इस कदम की चारों तरफ सराहना हो रही है। उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने कहा कि जिला स्तर के सभी अधिकारियों को इस गौशाला की एक एक गाय के लिए चारा इत्यादि के प्रबंधन का जिम्मा सौंपा जाएगा, ताकि इस गौशाला में गौवों के लिए बेहतर प्रबंध हो सके। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता बालासुंदरी गौशाला नाहन में कोई भी व्यक्ति अपने जन्मदिन और किसी विशेष अवसर पर विशेष पूजा इत्यादि करवा सकते हैं, जिसके लिए गौशाला समिति द्वारा आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। ये पहला मौका है जब प्रशासन द्वारा इस तरह का फैसला लिया गया हो। खास बात यह है कि इस एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि का प्रयोग गौशाला में चारा इत्यादि के लिए किया जाएगा। जिला सिरमौर के उपायुक्त ललित जैन ने कहा कि जिला स्तर के सभी अधिकारियों को इस गौशाला की एक एक गाय के लिए चारा इत्यादि के प्रबंधन का जिम्मा सौंपा जाएगा, ताकि गौशाला में गौओं के लिए बेहतर प्रबंध हो सके। गौशाला में गौओं के नाम रखे जाएंगे और गौओं के गले में नामकरण का बैज लगाया जाएगा। सरकार ये चाहती है कि गौ सदनों की देखरेख ठीक तरह से हो और कोई भी आवारा पशु ना घूमे इधर उधर। हमारे नाहन में माता बालासुंदरी जी की बहुत ही शानदार गौशाला बनी हुई है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर देखरेख पशुओं की ठीक ढंग से हो। एक हमने ये नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत स्थानीय निवासी सरकारी अधिकारी कर्मचारी यदि किसी गाय को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो गाय को अडॉप्ट करेंगे। सालाना खर्चा गाय का निकाल दिया जाएगा और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन से उस गाय की देखरेख की जाएगी। दूसरा, हमने वहाँ पे यदि कोई सुविधा की कमी है गाय के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उसके लिए भी पैसे का प्रावधान किए माता बालासुंदरी जी मंदिर से। हम लीक से हटकर चाहते हैं कि थोड़ा जन्मदिन, एनिवर्सरीज, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, लोग वो गौशाला में जाकर मनाएं, वहाँ पर ट्री प्लांटेशन करें, वहाँ पे गायों के दाम पे अपना दान पुण्य दें और वहाँ पे उस दिन उनके लिए विशेष पूजा भी की जाएगी हमारी गौशाला की तरफ से। गौ संरक्षण को लेकर राज्य की जयराम सरकार भी बेहद गंभीर है। ऐसे समय में सिरमौर जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया ये फैसला सच में काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल नाहन।